हम सभी लोगों से यहाँ पर जितने भी अपने लोग हैं जो आनंद मंच का इंतजार कर रहे थे सबको, तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि ये क्षण जो आज हम लोग देख रहे हैं ये आप लोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आनंद मोहन आज जेल से रिहा हो गए और रिहा होने के बाद वो पहुंचते हैं अपने गांव पचगछिया, जहां पर ये तस्वीरें आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आनंद मोहन नज़र आ रहे हैं और उनके बेटे चेतन आनंद नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से गाँव वाले जो हैं उनका स्वागत जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। स्वागत करने के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम का भी आयोजन जो है वो गांव वालों की तरफ से किया गया, जिसमें कि चेतन आनंद जो है वो जोरदार भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। हम सभी लोगों से यहाँ पर जितने भी अपने लोग हैं जो आनंद मोहन जी का इंतजार कर रहे थे सबको, तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि ये क्षण जो आज हम लोग देख रहे हैं ये आप लोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये जो मौका है, ये जो खुशी है, ये हमारे अकेले की खुशी नहीं है, तो हम आप सभी लोगों को धन्यवाद कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और कोई भी नेगेटिव बात में अभी हम नहीं जाएंगे। जब मांगलिक कार्य हो रहा होता है तो नेगेटिव की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कौन पक्ष में कह रहा है, विपक्ष में कह रहा है, इस सब से हमें कोई फर्क अभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ध्यान जो है वो शादी के ऊपर है और सारी बातें जो भी हैं उसके लिए मैं अपने पिताजी के तरफ से आपके बीच में आया हूँ और तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। जो भी बात होगी आपस में हम लोग मिल बैठ करके 3 तारीख के बाद एक बार पुनः आज 2 मिनट में आ रहे हैं इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे और यहाँ से जितने भी हमारे गेस्ट हैं सबसे हम आग्रह करेंगे आप इसके ऊपर हम लोग कोई बात नहीं करते। शुभ हो रहा है, शुभ की ओर ध्यान देते हैं, शादी है, आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग का आशीर्वाद चाहिए, प्रेस मीडिया के साथी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, माताएं बहनों का आशीर्वाद चाहिए, गार्जियन लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो हमको और ऐसे जगह पे आए हैं मंदिर के प्रांगण में तो भगवती माँ का भी आशीर्वाद चाहिए। बस इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को चेतन आनंद जो है वो सबों का शुक्रिया अदा करते हुए दिखते हैं। सबों को ये कह रहे हैं कि पापा की रिहाई जो है वो हो गई है, आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया, उसी तरीके से आगे भी साथ जो है वो देते जो है वो रहिएगा। बहरहाल चेतन आनंद जो है वो पटना के लिए रवाना हो चुके हैं, या कहें कि पटना अब पहुंच भी चुके हैं और अब जो है वो अपनी शादी की तैयारियों में भी जुट चुके हैं और जल्द ही देहरादून पहुंचेंगे आनंद मोहन अपने पूरे परिवार के साथ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।